हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मजमोर में। लास्ट जब मैंने वार्डरोब टूर का वीडियो डाला था तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी ये पूछने के लिए कि आपने सेम साइज में फोल्ड करके कपड़ों को कैसे स्टैक किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस रिक्वेस्ट के मुझे बार बार मिलने पर मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आज का वीडियो है इसी टॉपिक पर। और हाँ, आपको लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में कुछ कपड़े कम लग रहे होंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में डोनेशन ड्राइव हुआ था, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े डोनेट कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा वार्डरोब, मेरी अलमारी हमेशा अच्छे से ही लगे होते हैं, तो आपको डेमो देने के लिए मैं दो बंडल्स को अभी ऐसे डिमोलिश करने वाली हूँ, खराब करने वाली हूँ, तो सबकी फोल्ड्स मैं बिगाड़ रही हूँ। तो ये जो सेक्शन है, ये जो बंडल मैंने अभी उठाया था, इसमें मेरे टॉप्स हैं अलग अलग टाइप के, सिंथेटिक, क्रॉप, स्पेगेटी, अलग अलग। सबसे पहला ये सिंथेटिक टाइप का टॉप है, सॉफ्ट है, यानी इसे फोल्ड करने के बाद ये ऐसे स्लाइड नहीं होता, स्लिपरी नहीं होता। तो मैं हर बार ये टारगेट नहीं करती कि जो टॉप है उसका जो नेक वाला साइड है वही ऊपर आए, तो इस तरह से मैं फोल्ड नहीं करती हूँ। मैं टारगेट करती हूँ कि एट दी एंड इसमें से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल निकलना चाहिए, तो वो अलग फोल्डिंग टेक्निक से भी हो सकता है। थ्रू आउट दिस वीडियो आपको मैं अलग अलग टॉप्स अलग अलग टाइप से फोल्ड करके दिखाऊंगी, तो हो सकता है कि जो मैं सिंथेटिक वाले में दिखा रही हूँ आपको वो टी शर्ट में फोल्ड करना पड़े, या फिर जो टी शर्ट में दिखा रही हूँ वो ऐसे टॉप्स में। ये देखिए बहुत ईजिली हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर साइज टॉप का अलग है और वो जो साइज हमें चाहिए स्टैकिंग के लिए वो नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे गैप छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट है ये वुलन टॉप, काफ़ी सीधा सा है, तो मैं इसे जैसे रेगुलर फोल्ड किया जाता है इस तरह से ही मैं फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे हाथ से मारने से जो आप फोल्ड करते हैं वो आसानी से हो जाती है और स्मूथ हो जाती है, ऐसे इरेगुलर नहीं होती। ये देखिए स्टैक भी हो रहा है। क्या मैंने आपको बताया कि रिसेंटली मैंने नुआ सैनिटरी पैड्स यूज़ करने शुरू किए हैं? आई थिंक नहीं। तो चलिए मैं आपको क्विकली इस अमेजिंग पैड के बारे में बताती हूँ जो मैंने रिसेंटली यूज़ करने शुरू किए और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिशियल लगे मुझे। वैसे लास्ट वार्डरोब टूर के वीडियो में काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप मेंस्ट्रुअल कप्स ट्राई कीजिए, बट मैं फिलहाल कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं पैड से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। हम अक्सर बिना सोचे समझे सैनिटरी पैड्स खरीद लेते हैं, लेकिन नुआ सैनिटरी पैड्स काफ़ी सोच समझकर बनाए गए हैं। ये अलग अलग साइजेस में आते हैं फ्लो के अकॉर्डिंग, और जो इनका कलर है वो उस फ्लो को इंडिकेट करता है। ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इजीली से अपनी पर्स में, बैग में कैरी कर सकते हैं, और इसके साथ जो ये एनवेलप दिया गया है, ये जो पैकेजिंग है इसकी, इसी में आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं। जो पैकेजिंग है इसकी, जो डिस्पोज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये पेपर की है, प्लास्टिक की नहीं है। मुझे ये पैड्स इसलिए ज़्यादा पसंद आए क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, थिन भी है, और इनसे रैशेज भी नहीं होते। और एक चीज़, तो इसका बैक वाला हिस्सा है ये काफ़ी ब्रॉड है और इससे लीकेज की टेंशन भी नहीं होती। आप इन पैड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी एक मंथ में आपको हैवी, मीडियम एंड लाइट फ्लो वाले कितने पैड्स चाहिए होंगे उसके हिसाब से 12 पैड्स का पैकेट परचेज कर सकते हैं। नुआ पैड्स आपको ऑटो रिपीट प्लान भी ऑफर करते हैं, यानी आप इनकी वेबसाइट पे महीने में एक बार, दो महीने में एक बार इस तरह से पैड्स का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। इस तरह से नुआ पैड्स आपको बिना भूले टाइम टू टाइम आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से डिलीवर होते रहेंगे घर बैठे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को यूज करके नुआ का ऑटो रिपीट प्लान खरीद सकते हैं जो कि प्री डिस्काउंटेड है, यानी उस पे 33% का डिस्काउंट पहले से ही लगा हुआ है। और अगर आप स्क्रीन पर दिखाए हुए कोड को यूज करेंगे, मेरे कोड को यूज करेंगे, तो आपको मिलेगा एडिशनल 10% डिस्काउंट। और हाँ, आप नुआ पैड्स अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेगेटी टॉप। तो इसे फोल्ड करने का भी ये जो तरीका है, या आप किसी भी स्पेगेटी पे यूज़ कर सकते हैं, एंड एट दी एंड आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ऐसे आसानी से मिल जाएगा। जो भी मैं आपको ये फोल्ड्स दिखा रही हूँ, ये वार्डरोब में स्टैक करने के हिसाब से है, ज़रूरी नहीं कि आप अपने पैकिंग के लिए, अपनी ट्रैवल पैकिंग के लिए ऐसे फोल्ड करें। अब मैं आपको दो सिंथेटिक टॉप्स फोल्ड करके दिखाऊंगी जो बहुत स्लिपरी से हैं। तो देखिए मैंने ऐसे फोल्ड किया एंड एट द एंड एक मिल गया रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का शेप, और बहुत इजीली। सिमिलरली ये एक और सिंथेटिक टॉप है और इरेगुलर भी है काफी, तो इसे इस तरह से मैंने रखा जितना मैं इसे प्लेन रख सकूं, और उसके बाद स्लीव साइड से ऐसे इन करके, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ऐसे फोल्ड करने से भी काफी इवन और रेगुलर सा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ क्रॉप टॉप्स। तो क्रॉप टॉप्स ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, तो इनमें से एक स्क्वायर या रेक्टेंगल निकालने की बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल सी टेक्निक है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसमें स्लीव्स हो तो आप स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। थोड़ा गैप छोड़ने से आपको ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप मिल जाएगा जो आपके बाकी के स्टैक में आसानी से फिट हो जाएगा। ये नेक्स्ट जो टॉप है बहुत इरेगुलर है, देखिए इसका मतलब शेप ही नहीं है सच कुछ, बहुत ये अलग सा है। तो इस टाइप के आपके पास टॉप्स हो सकते हैं तो आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। एट द एंड हमें चाहिए एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो हमारे स्टैक में फिट हो। नेक्स्ट है टी शर्ट्स। तो मैं टी शर्ट्स को ऐसे फोल्ड करना प्रेफर करती हूँ। अगर आपके ध्यान में कलर देखकर नहीं आता है कि आपकी कौन सी टी शर्ट है, तो जो मैंने फोल्ड इस साइड किया है आप दूसरी साइड से करें कि हल्की सी प्रिंट जो है आपकी टी शर्ट की वो आपको ऐसे फोल्ड करने के बाद भी नजर आएगी। तो ये देखिए एकदम आसानी से क्विकली ये फोल्ड हो गई। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एथनिक वेयर यानी कुर्तियाँ। तो एक और स्टैक है मेरे पास जिसे मैंने पूरा खराब कर दिया है। अनारकली कुर्ती। तो अनारकली कुर्ती को फोल्ड करना बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं इसे अगेन जैसे ये शॉप में या नया खरीदते वक्त आता है वैसे मैं इसे फोल्ड नहीं करती। मैं जो ऊपर वाला पार्ट है, बॉडीज वाला पार्ट है, वो ऐसे आधा ले लेती हूँ, उसके बाद स्लीव्स को ऐसे। अब जो साइड्स हैं इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करें, क्योंकि अनारकली में बहुत घेर होता है तो ये साइड्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। तो आप दो बार फोल्ड कर सकते हैं, तीन बार फोल्ड कर सकते हैं, तो आपको जितना चौड़ा स्टैक बनाना है उसके हिसाब से एक कुर्ती को आप फोल्ड करें और सिमिलर लाइंस पे आप अपनी बाकी कुर्ती और ड्रेसेस को भी फोल्ड करें। ये देखिए एक और कुर्ती। अब जो मैं आपको दोनों कुर्ती दिखा रही हूँ दोनों अनारकली है, लेकिन सेम टेक्निक से आप आपकी स्ट्रेट कुर्ती को या फिर ए लाइन कुर्ती को भी फोल्ड कर सकते हैं। जस्ट दैट जो साइड्स हैं वो आपको इतना बार बार उन्हें फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, सिंगल फोल्ड में ही काम हो जाएगा। ऐसे हाथ से एक मारते हुए बीच में इससे बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, तो मैं हमेशा ये करती हूँ। ये देखिए अच्छे से स्टैकेबल भी है। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई गाउन है, फ्लोर लेंथ है और ऐसे अनइवन है, तो इसे भी मैं ऐसे ही हाफ करके फोल्ड करती हूँ। ये अपर वाला पार्ट नीचे लाकर फोल्ड करने वाली टेक्निक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको किसी भी टाइप की कुर्ती के लिए ये बेनिफिशियल होगी। ये देखिए ये भी फोल्ड हो गई। नेक्स्ट है लेगिंग्स। वैसे लेगिंग्स को फोल्ड करना बहुत सिंपल होता है, पर फिर भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। ये देखिए ऐसे आप एक के ऊपर एक जो दोनों लेग्स हैं वो रख लीजिए और बस दो फोल्ड में आपका काम हो जाएगा। आप चाहें तो साइड को भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं जैसे मैंने किया। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है पटियाला सलवार, जो कि बहुत इरेगुलर होती है, इसे फोल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो आयरन की हुई भी नहीं है, तो आपने इसकी बॉटम को एक के ऊपर एक रखना है इस तरह से कि जो सिलाई वाली साइड है वो एक के ऊपर एक आए, और फिर इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है। इसी तरीके से फोल्ड करके आप इसे हैंगर पर भी टांग सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है सिंथेटिक ट्राउजर्स। जीन्स मैंने इंक्लूड नहीं की है क्योंकि जीन्स को फोल्ड करना बहुत ईजी होता है वार्डरोब में रखने के हिसाब से, बट ये सिंथेटिक ट्राउजर्स हैं। और एक चीज़, अगर आप कोई लंबी चीज़ फोल्ड कर रहे हैं कि जब ऐसे आप हाफ में फोल्ड कर रहे हैं और दोनों साइड्स बहुत करीब आ रहे हैं, तो बीच में ऐसे गैप रखें। ये एकदम पास ऐसे बिल्कुल ना करें, फोल्ड ढंग से नहीं आएगी, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दें और उसके बाद ही फोल्ड करें। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ एक वेस्टर्न टाइप की वन पीस ड्रेस। ये देखिए ये भी थोड़ी सी इरेगुलर है, स्लीव्स भी नहीं है और काफ़ी डीप कट है इसमें,
तो इसे भी मैं कुर्ती स्टाइल में ही फोल्ड कर रही हूँ, यानी ऊपर का पार्ट हाफ नीचे वाले पार्ट पे और साइड्स को अंदर लेके इस तरह से फोल्ड। स्टैकिंग के वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो थोड़े से बल्की कपड़े हैं वो आप नीचे स्टैक करें और जो सिंथेटिक और स्लिपरी हैं वो आप थोड़ा ऊपर की तरफ करें, और एक सिंथेटिक या स्लिपरी टॉप के ऊपर दूसरा सिंथेटिक वाला ना डालें। एक कॉटन या होशरी का ब्रेक बीच में ज़रूर दें और आपका स्टैक स्टेबल रहेगा। सेम रूल अप्लाइज फॉर कुर्तीज कि आप कुर्तियों को स्टैक करते वक्त भी सिंथेटिक या स्लिपरी वाली को अगर रख रहे हैं तो उसके ऊपर कॉटन या होजरी का ब्रेक दें और उसके बाद कोई फिर से स्लिपरी वाली कुर्ती रखें, आपका जो स्टैक है ये स्टेबल रहेगा। न्यूअर ऑटो रिपीट प्लान खरीदना ना भूलें और यूज करें मेरा कोड एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।